हेलो गाइस, वेलकम टू टी आई अगेन। और आज हम कुछ नया ट्राई करना है। एक आंटी है जिनकी हम मैं अभी हेल्प भी करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका बहुत टाइम से चल रहा है बहुत ही अच्छा सा। तो मुझे भी लगा कि लोगों को ये जगह ज़्यादा एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो मैं कहाँ पे आया पहले वो बता देता। तो हम ट्राई करने वाले हैं मासीनू बर्गर, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि मासी का बर्गर। तो इनका यही नाम से जाना जाता है, मासी का बर्गर। लोकेशन दिखा देता हूँ कि लोकेशन कहाँ पर है। तो सामने इस्कॉन मॉल है, इस्कॉन मॉल के इस्कॉन मॉल के थोड़ा सा सामने, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे आपको सैंडविच हाउस भी दिख जाएगा इसके पीछे। उसके आगे ये आंटी जो है इनकी स्टॉल लगाते हैं। यहाँ पे क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पे मस्का बन सैंडविच, भूंगड़ा बटेटा, फिर मैगी है, पास्ता है, वैसे सारी चीज़ें मिलती है। पर मैं यहाँ का बर्गर ट्राई करने वाला हूँ और मसाला बन भी ट्राई करने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको इनका मेन्यू दिखा देता हूँ कि मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं। दूसरा मैं आपको बनता कैसा है वो दिखा देता हूँ, और बाद में मैं टेस्टिंग करके भी आपको दिखा देता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। तो चलिए, तो ये लीजिए, ये इनका मेन्यू है। मेन्यू में क्या क्या चीज़ है, तो सैंडविच स्लाइस, थेपला है, मसाला बन है, मस्का बन बर्गर है, और बहुत तरह की मैगी है और पास्ता है, बहुत टाइप है इनके यहाँ पे। तो लीजिए हम आगे मासी के बर्गर में। ये है वो आंटी जो यहाँ पे बढ़िया से बर्गर बनाते हैं। तो आंटी पहले तो आपका नाम बताइए, आपका नाम क्या है? पीनल। अच्छा, कैसे हो आप, बढ़िया हो? तो आज हम आपके यहाँ पर ट्राई करना चाहते हैं तंदूरी बर्गर, और मसाला बन ट्राई करना है, ठीक है? ये देखिए, हमारे बर्गर के लिए पहले टिक्की फ्राई हो रही है। आलू की टिक्की है ना ये आंटी? आलू की टिक्की, उसमें जाएगा बटर। बटर अच्छे से मेल्ट हो रहा है इसके अंदर, गर्म है एकदम तवा। आप अमूल का बटर यूज करते हो आंटी? विमल का। अच्छा, तो ये हमारा बर्गर बन रहा है जिसके ऊपर ये पहला सॉस लगा। ये क्या था, तंदूरी सॉस था क्या आंटी? तंदूरी मियो था। ये कौन सा है, थाउजेंड सॉस है ना? थाउजेंड, एकदम चटपटा बर्गर बनने वाला है ये, क्योंकि इसके अंदर गया तंदूरी मियो गया एक तो, और ये ऊपर थाउजेंड भी गया है, तो एकदम चटपटा होने वाला है ये बर्गर। और ये इसके अंदर गया मियो, इसके अंदर जाएगी वेजिटेबल्स, नहीं 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 सिर्फ तंदूरी वाला बनाओ। सेजवान तीखो आओ से आ मीडियम से। हाँ हाँ, इसके ऊपर गया ला फाइनली। ये कौन सी चटनी है? बारबेक्यू। ओके, मतलब तीन से चार सॉस जाते हैं इसके अंदर। और ये अंदर गई चीज, चीज कम रखना क्योंकि हम थोड़ा सा डाइट पे। अच्छा नहीं लगे। तो चलिए, ये देखिए हमारा बर्गर हो गया रेडी। ये भूंगड़ा है, इसको भूंगड़ा बोल सकते, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलेंगे इसको? भूंगड़ा ही बोलते हैं इसको, फ्राइम्स नहीं बोलते हिंदी में। अच्छा, तो ये देखिए पूरा भर के लाए ये भूंगड़ा, और इसके साथ में ये इन्होंने घर से जो पटेटो बनाया, जो बटाटा सब्जी, इसके अंदर गया मसाला। ये गुजराती लोग का फूड है, ये गुजराती लोग बहुत खाते हैं, स्पेशली सुरेंद्र नगर साइड का ये फूड है। और इसके ऊपर गई ये तीखी चटनी। बस बस इतना दिखा, बहुत हो गया हमारे लिए। मैं आपको दिखाता हूँ इसको खाते कैसे। और इस बाउल के अंदर हमको दे गए ये येलो फ्राइंस, जो कि बोले जाते हैं भूंगड़ा, गुजराती में उसको भूंगड़ा बोलते हैं। आपको कुछ मतलब नया लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं भैया। ये कितने रुपए का है? 30 रुपए में। और कितने देते हो ये फ्राइम्स? 5 फ्राइम्स। और इसके साथ में आपको मिलेगी ये पोटेटो। तो चलिए ट्राई कर लेते इसको भी। ये लीजिए हमारा बर्गर आ गया है, मासी का बर्गर। इसकी कॉस्ट है 70 या 80 रुपीज़ कॉस्ट है इसकी। तो मैं आपको ये टेस्ट करके दिखाता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। और साथ में हमने लिया ये भूंगड़ा और बटेटा, ठीक है? तो पहले टेस्ट करते, एक वाइट लेते हैं, इसको रहने देते हैं वरना पूरा बर्गर मैस्ड अप हो जाएगा। बहुत क्रीमी क्रीमी सा बर्गर है यहाँ का।
इन्होंने जो तीन सॉसेज डाले ना अलग अलग, तीनों का अच्छा सा टेस्ट आ रहा है। हालांकि मुझे लग रहा है कि बटर थोड़ा ज़्यादा हो गया, इतना बटर नहीं डलवाना चाहिए था, मतलब ये डाल के देते हैं। नेक्स्ट टाइम आऊँगा तब बोलूँगा इनको कि थोड़ा कम बटर डालो, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। आपको अगर ज़्यादा बटर पसंद है तो आपके लिए सही है, बट मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा बटर है। एक मैं बर्गर की बात करूँ ना, तो 10 में से मैं 8 दूंगा। बर्गर का टेस्ट है ना बहुत पंची है, टंग के ऊपर एकदम पंच करता है बर्गर की जो तीन इसके सॉस डाले हुए हैं। तो ये रिकमेंडेड चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा फेमस यही है, तो ये ट्राई करो आके यहाँ पे। दूसरी चीज़ की अपने साथ ये पोटैटो और भुंगड़ा, तो इसको खाते कैसे, तो हमको ये भुंगड़ा को लेना है, इसको ऐसे तोड़ना है और ऐसे से पोटैटो के अंदर डालना है। ये लिया ऐसे और इसको खाना है फिर। बढ़िया सी तीखी चटनी है। पोटैटो का टेस्ट बहुत बढ़िया है। मैंने इससे आगे एक जगह पे ट्राई किए थे पहले, पर मुझे इतना पसंद नहीं है वहाँ पे। ये बहुत बढ़िया है, इनका पोटैटो टेस्ट बहुत ही अच्छा है। बस एक तीखी चटनी डाली है ना, उसने मेरा दिल जीत लिया, बहुत बढ़िया है। ऐसे अभी नए नए वीडियो हर वीक आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर अपडेट्स, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।